हेलो एवरीवन वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज आज के वीडियो में हम लोग एवरेजेस टॉपिक को जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं एंड इस पूरे वीडियो में हम लोग एवरेजेस को पूरी तरीके से फिनिश करने वाले हैं अब ये वाला जो टॉपिक है एवरेजेस वो काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है इसमें बस एक यूनिवर्सल फार्मूला है जो कि आपको मैं बताऊंगा एंड उस फॉर्मुले को यूज करके आप कोई सा भी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो चलो हम लोग सबसे पहले एवरेजेस से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो बात कर लेते हैं अगर हम लोग सबसे पहले एवरेज की मीनिंग की बात करें तो एवरेजस का बेसिक जैसे आपने अपने डे टू डे लाइफ में भी सुना होगा दैट हम लोगों से कभी भी कोई पर्सन हमारे स्कूल के या कॉलेजेस के मार्क्स पूछते हैं तो हम लोग उनको इंडिविजुअल मार्क्स नहीं बताते दैट हमारे मैथ्स में सेवेंटी मार्क्स हैं इंग्लिश में एटी मार्क्स हैं इस टाइप से हम लोग उनको एक एवरेज मार्क्स जो है वो एवरेज परसेंटेज जो है वो हम लोग बता देते हैं तो एवरेज बेसिकली होता क्या है आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हो दैट सभी के सभी ऑब्जर्वेशन को सम करके एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप उसको डिवाइड करते हो तो वो एक एवरेज निकल करके आता है या फिर आप इस तरीके से भी समझ सकते हो दैट एवरेज बेसिकली वो नंबर होता है जिस नंबर से नेट डेविएशन बाकी सभी नंबर्स का जो है वो जीरो होता है ठीक है तो एवरेजेस का एक बेसिक सा फॉर्मूला है दैट इज ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ठीक है ये इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो कि यूज करके आप जिस फॉर्मूले को यूज करके आप किसी भी नंबर का जो एवरेज है वो फाइंड आउट कर सकते हो अब जो मैंने आपको एवरेजेस का सेकंड डेफिनेशन बताया उसको भी आप कई बार क्वेश्चंस में यूज में ला सकते हो अगर आपकी आपकी मर्जी है तो बट उसको हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है मैं एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं वन टू एंड थ्री अगर आपको मैं इसका इसका एवरेज पूछूं तो आप जो है वो वन प्लस टू प्लस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री यानी कि इसका एवरेज आ जाएगा टू अब नेट डेविएशन का क्या मीनिंग है दैट ये जो नंबर टू आया है ना इससे डेविएशन अगर मैं हर एक नंबर का निकाल करके देखो तो जो नेट आएगा उसका वो जीरो रहेगा जैसे आप देखो वन जो है वो एवरेज नंबर से कितना आगे या पीछे की तरफ है तो वन जो है वो एवरेज से माइनस वन पीछे है और हम लोग अगर थ्री की बात करते हैं तो वो एवरेज से कितना आगे या पीछे है तो ऑब्वियसली ये प्लस वन पर है टू तो एवरेज पर ही है तो ये तो जीरो हो गया तो माइनस वन एंड प्लस वन आप नेट डेविएशन जब इन दोनों को एड करोगे तो कितना आ जाएगा जीरो तो ये हमारा एवरेज का मीनिंग होता है मतलब एक एक ऐसा नंबर जिससे नेट डेविएशन बाकी सभी नंबर्स का जीरो होता है ठीक है तो ये हमारा एवरेज का बेसिकली डेफिनेशन uh, होता है अब इसके बाद हम लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ेंगी जैसे अगर मैं आपसे एवरेजेस की बात करूं किसी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की या फिर आप ऐसे कह सकते हो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जहां पर कॉमन डिफरेंस सेम होता है जैसे फॉर एग्जांपल वन टू थ्री इस तरीके से जो भी नंबर्स हैं हम लोग जो एक बेसिक सा नंबर नंबर सीरीज ले लेते हैं ये क्या है? ये है. तो ये क्या क्या है है बेसिकली फर्स्ट नेचुरल नंबर्स तो एक एडिथमेटिक प्रोग्रेशन है एरिथमेटिक सीरीज है तो यस yes, ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बिकॉज इसमें जो कॉमन डिफरेंस है ना वो वन है तो कभी भी आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिखाई देता है तो उसमें जो बिल्कुल सेंट्रल वैल्यू होती है बिल्कुल बीज की वैल्यू होती है ना वही उसका एवरेज होता है मतलब ये थ्री क्या है बेसिकली ये इसका मीडियन है इस पूरे सीरीज में जो ये नंबर्स दिए हुए इसका मीडियन है तो जो मीडियन होगा ना वही इक्वल हो जाएगा मीन के मीन का क्या मतलब होता है मीन हम लोग एवरेजेस को ही बोलते हैं तो मीन जो है वो इक्वल हो जाता है मीडियन के कब जब हमारे पास एरिमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज दी गई हो ठीक है अब ये सीरीज जो है वो केवल नेचुरल नंबर में नहीं फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल ऑफ सिक्स है सिक्स ट्वेल्व एटीन तो यहां पर एवरेज कितना हो गया एवरेज हो गया ट्वेल्व ठीक है सिमिलरली सिमिलरलीट से फाइव टेन फिफ्टीन 20, 25 इसका एवरेज कितना हो गया भाई इसका एवरेज हो गया 15 तो इस तरीके से जो हमारा सेंट्रल नंबर होता है वो हमारा एवरेज होता है कौन से केस में जब हमारी जो सीरीज है वो एक एडिथमेटिक प्रोग्रेशन हो इसके बाद एक और चीज आपको ध्यान देनी है फॉर एग्जांपल सेंट्रल में कोई भी नंबर नहीं आ रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स अब यहां पर ध्यान से देखो तो मैं इसमें सेंट्रल नंबर जो एकदम बीचों बीच कोई नंबर लाइक कर रहा हो ऐसा नंबर मैं यहां पर सर्च नहीं कर सकता हूं बिकॉज अगर मैं थ्री को कहता हूं दैट ये सेंट्रल नंबर है तो थ्री के लेफ्ट हैंड साइड में दो नंबर हैं एंड राइट हैंड साइड में तीन नंबर हैं तो कहीं कही ना कहीं जो बैलेंस है वो क्रिएट नहीं हो पा रहा है तो जो मेरा एवरेज होगा ना वो इन दो बीच के नंबर्स का मीन होता है बेसिकली इन दो बीच के नंबर्स का एवरेज होता है तो थ्री और फोर का एवरेज कितना हो गया थ्री पॉइंट फाइव या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो ऐसा कौन सा नंबर है जो इक्वली स्पेसिंग है ना उसके बिल्कुल बीचों बीच लाई करेगा वो होगा थ्री पॉइंट फाइव तो यहां पर आप ये चीज समझ सकते हो दैट अगर इवन नंबर दिया गया है इवन नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है तो वैसे केस में हमारा जो एवरेज निकलता है वो सेंट्रल दो नंबर को एड करके उनका एवरेज होता है ठीक है आई होप आप ये चीज जो है वो समझ चुकी होगी एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा दैट ये तो चलो छोटे सीरीज है बट फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला गया है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट फिफ्टी नंबर्स फिफ्टी नेचुरल नंबर्स ठीक है नेचुरल नंबर्स तो ऐसे केसेस में वन टू थ्री इस तरीके से मैं बेसिकली फिफ्टी तक जाऊंगा एंड यहां पर मुझे सेंट्रल नंबर जो बीच का नंबर है उसको फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी हो सकती है ठीक है यहां पर तो अगर आपने एडमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है तो सेंट्रल नंबर को निकालने का एक फॉर्मुला ही होता है बहुत ही ईजी बट जस्ट इन केस अगर कोई ऐसी सीरीज आ जाती है जहां पर हम लोग सेंट्रल नंबर को फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी हो रही है तो वैसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय टू तो ये आपका एवरेज का फॉर्मूला हो जाता है ये बेसिकली ये जो हमने सेकेंड पॉइंट लिखा है यहां पर भी वर्क करेगा फर्स्ट टर्म क्या है वन लास्ट टर्म क्या है फाइव तो

एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा दैट अगर हम लोगों के नंबर ऑफ टर्म जो भी दिए हुए हैं उसमें कोई चेंज होता है तो हमारे एवरेज में भी वही चेंज होकर के आता है जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई सीरीज है लेट्स से वन टू ओके कोई कुछ डिफरेंट सीरीज uh, ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी पता चल गया होगा ये एक एमटिक uh, प्रोग्रेशन है तो यहाँ पर एवरेज जो है वो सिंपली मैं इसको एवरेजलीफ्टीन को एवरेज जो है वो आ, बोल सकता हूं अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इन सभी नंबर्स में तो पहले तो मैं यहाँ पर एवरेज लिख लेता हूँ एवरेज कितना हो गया भाई एवरेज हो गया मेरा फिफ्टीन अगर मैं सभी नंबर्स में फाइव एड कर दूं तो ये फाइव कितना हो जाएगा भाई फाइव हो जाएगा टेन टेन हो जाएगा फिफ्टीन फिफ्टीन हो जाएगा ट्वेंटी दिस विल बी ट्वेंटी फाइव एंड दिस विल बी थर्टी तो सभी नंबर में फाइव एड करने के बाद मेरा एवरेज कितना बन गया न्यू एवरेज न्यू एवरेज मेरा बन चुका है कितना ट्वेंटी तो आपने देखा दैट इंडिविजुअल टर्म्स में मैंने जो चेंज किया सेम वही चेंज मेरा जो फाइनल एवरेज निकल कर करके आया वहां पर भी हो गया एंड ये किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जो है वो वैलिड होगा आप इसमें सब ट्रैक्ट फाइव करके देख लो डिवाइडेड बाय फाइव करके देख लो जैसे अगर मैं डिवाइडेड बाय फाइव करता हूं तो फाइव का वन हो जाएगा दिस विल बी टू दिस विल बी थ्री दिस विल बी फोर एंड दिस विल बी फाइव तो मैंने क्या किया सभी नंबर को जो है वो फाइव से डिवाइड कर दिया है तो ऐसे केस में मेरा न्यू एवरेज कितना हो गया भाई थ्री हो गया दिस विल बी न्यू एवरेज ये कितना हो गया थ्री हो गया तो जो ये न्यू एवरेज है वो भी देखो क्या फाइव से डिवाइड होकर के नहीं आया करेक्ट तो इस तरीके से आपके इंडिविजुअल नंबर्स में जो भी चेंज हो रहा हो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड वो सेम चेंज आपके एवरेज में भी हो जाता है ठीक है ऐसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पर आपको इंडिविजुअली नंबर्स को जो है वो एवरेज के फॉर्मेट में जाकर के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्टली यहां से कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है तो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आया होगा इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सो so देट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और भी बेटर हो पाए तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है वीडियो को पॉज करके जरूर से खुद से ट्राई करना बिकॉज ऐसा जस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट हंड्रेड नेचुरल नंबर फर्स्ट हंड्रेड नेचुरल नंबर कौन से हो जाते हैं वन टू थ्री फोर से लेकर के हंड्रेड तक अब क्योंकि ये एक एरिथमेटिक सीरीज है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है यहां पर तो मैंने आपको एपी का जो एवरेज uh, है वो फाइंड आउट करने का क्या बताया था फर्स्ट टर्म टर्म प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय तो ये कितना हो गया जीरो ठीक है तो ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके आई होप आपको यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द एवरेज ऑफ फर्स्ट द एवरेज ऑफ फाइव कॉन्जिक्यूटिव ऑर्ड नंबर देखो यहां पे आप x लेके क्वेश्चन को कर सकते हो बट मैं x का जो मेथड है वो जनरली अवॉइड करना चाहूंगा इस टाइप के क्वेश्चन में बिकॉज अभी, अभी हमने समझा है दैट अगर कोई कॉन्जिक्यूटिव सीरीज चल रही है या फिर कोई प्रोग्रेशन चल रहा हो तो जो बिल्कुल बीच का नंबर होता है ना वही एवरेज है तो यहां पर मुझे एवरेज थर्टी दिया गया है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता दैट ये जो 35 होगा वो बिल्कुल बीच का नंबर होगा टोटल फाइव नंबर्स हैं मतलब दो नंबर इसके राइट हैंड साइड में होंगे दो नंबर इसके लेफ्ट हैंड साइड में होंगे ऑड मतलब अगला नंबर सेवन होगा 39 होगा पिछला नंबर कितना होगा थर्टी थ्री एंड उससे पिछला नंबर थर्टी वन फाइंड द बिगेस्ट नंबर थर्टी नाइन तो मेरा करेक्ट आंसर कितना हो गया भाई थर्टी नाइन हो गया ठीक है आपने देखा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को जो है वो यूज कर सकते हो रेदर देन आप एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री इस तरीके से अज्यूम करो फिर सभी को ऐड करो डिवाइडेड बाय फाइव करो बहुत ही ज्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा ठीक है वैसे वहां से भी आपका आंसर सेम आता चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसमें आपको पेन भी टच करने की जरूरत नहीं है इफ ईच एंट्री इज इंक्रीज बाय फाइव देन द एवरेज विल आल्सो बी इंक्रीज बाय फाइव मैंने आपको सिंपली अभी अभी ये चीज बताई थी दैट जो भी चेंज हम लोग हर एक एंट्री में करते हैं हर एक डेटा में करते हैं वो सेम चेंज आपके एवरेज पर भी जो है वो आ जाता है ठीक है चलो द एज ऑफ ट्वेंटी स्टूडेंट्स एंड द क्लास टीचर इज सिक्सटीन ईयर्स इफ द क्लास टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड द एवरेज रेड्यूस बाय वन ईयर फाइंड द एज ऑफ द्लास टीचर अब देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मैथड से बताने वाला हूं एक मैथड जो आपको एक्सलेट करके अगर आपने कभी पहले सोल्व किया होगा तो उस तरीके से है एंड दूसरा मैथड में इसमें मिक्सचर एंड एडिगेशन का लगाऊंगा वाई बिकॉज आप ये ऐसा चीज समझो दैट कभी भी दो चीजों को मिक्स करके कोई तीसरी चीज बन रही होगी तो वहां पर आप आंख बंद करके मिक्सर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो बिकॉज मिक्सर एंड एलिगेशन इज नॉट जस्ट अ चैप्टर वो एक बस एक टॉपिक नहीं है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके परसेंटेजेस रेशियो प्रपोर्शन प्रॉफिट लॉस टाइम स्पीड डिस्टेंस हर एक टाइप के क्वेश्चन में आप उसको ईजिली अप्लाई करके आंसर्स की तरफ बढ़ सकते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले हम लोग इसको बेसिक से कर लेते हैं एवरेज एज ऑफ ट्वेंटी फोर स्टूडेंट्स एंड द क्लास टीचर इज सिक्स मतलब टोटल कितने लोगों की बात हो रही है, भाई? 25 people की बात हो रही है. ठीक है ट्वेंटी फाइव लोगों का एवरेज कितना है सिक्सटीन है ठीक है अब मैंने आपको एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया था भाई एवरेज का मतलब फॉर्मूला था समर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ठीक है तो यहां पर एवरेज सिक्सटीन ईयर है सब मुझे पता नहीं है टोटल कितने लोग है भाई ट्वेंटी फाइव लोग हैं ठीक है तो अगर मैं सम फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो 25 फाइव मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटीन यानी कि ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 400 ठीक है इसके बाद मुझे बोला गया है इफ द क्लास टीचर एज इज एक्सक्लूडेड द एवरेज रेड्यूजेज बाय वन ईयर अब अगर क्लास टीचर की क्लास टीचर को मैं हटा देता हूं तो मेरा जो एवरेज एज है ना वो एक ईयर से कम हो जाता है मतलब पहले अगर 16 इयर्स था एवरेज तो अब एक कम होकर 15 इयर्स हो गया टोटल पीपल कितने हुए भाई अब क्लास टीचर को मैंने हटा दिया तो अब ट्वेंटी फोर लोगों की बात हो रही है तो ट्वेंटी फोर लोगों की एवरेज एज फिफ्टीन अगेन एवरेज का सम बाय टोटल एंड एवरेज है मेरा कितना फिफ्टीन इयर्स सम मुझे पता नहीं है टोटल मेरे पास ट्वेंटी फोर है तो सम कितना हो गया भाई ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टीन यानी कि थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी तो पहले जितने भी लोग थे उन सबका सम 400 था एजेस का उनके एजेस एजेस का सम 400 था एंड अब जितने भी लोग हैं उनके एजेस का सम 60 है ये डिफरेंस किसकी वजह से आया है उस एक क्लास टीचर के चले जाने की वजह से आया है तो कॉमन सेंस है दैट क्लास टीचर का एज कितना रहा होगा भाई क्लास टीचर का एज रहा होगा फोर्टीर्स तो ये तो आपका बेसिक मेथड है जहां पर हम लोगों ने एक्स लेट करके चीजों को सॉल्व करने की कोशिश की अब यहां पर मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड से मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं इसको हम लोग देख लेते हैं देखो यहां पर मिक्सचर एलिगेशन में आपको ग्रुप क्रिएट करने होते हैं जहां पर भी दो ग्रुप मिलकर के थर्ड ग्रुप बनता है वहां पर आप मिक्सचर एलिगेशन एड करोगे तो यहां पर बेसिकली कौन से दो ग्रुप बन रहे हैं आपको ये चीज समझनी पड़ेगी सबसे पहला ग्रुप वन बन रहा है आपके ट्वेंटी फोर स्टूडेंट्स का ठीक है एंड ग्रुप टू कौन सा बन रहा है ग्रुप टू बन रहा है उस एक टीचर का ठीक है उस एक टीचर का एक अकेला ग्रुप बन रहा है एंड इन दोनों को मिक्स करके मेरे पास क्या बोला गया है फाइनल एवरेज जो कि मुझे क्वेश्चन में 16 दिया गया है तो जब भी दो ग्रुप को हम लोग मर्ज करके एक तीसरे फाइनल आउटकम की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर आप मिक्सचर एलिगेशन लगाते हो किस तरीके से देखो 24 स्टूडेंट्स का एवरेज 16 दिया गया है एक अकेले टीचर का एवरेज नहीं दिया गया है देखो एक अकेले टीचर का जो एज होगा वही उसका एवरेज एज होगा करेक्ट बिकॉज सम बाय ऑब्जर्वेशन इसमें तो केवल और केवल एक ही आइडेंटिटी है एक ही नंबर है तो इसको आपको एक से वन से डिवाइड करना होगा आई होप आप समझ रहे हो अगर मैं बोलता हूं मेरा एज फिफ्टी ईयर है फॉर एक्जाम्पल तो मेरी एवरेज एज कितनी है ऑब्वियसली कुछ सेंस नहीं बनता इस क्वेश्चन का मेरी एवरेज एज कह लो या नॉर्मल एज कह लो फिफ्टी ईयर्स ही है तो उस टीचर की एज कितनी हो गई भाई एक्स हो गई अब मिक्सर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता होगा दैट सेंटर में हम लोग वो नंबर लिखते हैं जिस जो कि इन इन दोनों दोनों ग्रुप ग्रुप को को करने के बाद मर्ज करने के बाद आती है तो ग्रुप वन एंड ग्रुप टू को जब मैं मर्ज कर दूंगा तो मेरा फाइनल एवरेज कितना निकल रहा है भाई फाइनल एवरेज मेरा 16 इयर्स निकल ओके uh, okay. 24 स्टूडेंट्स का एवरेज 15 इयर्स है सॉरी फाइनल इन दोनों को मर्ज करने के बाद जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है सिक्सटीन ईयर्स yes. ठीक है फिफ्टीन कैसे यहां पर, पर गिवन है, है वही चीज मैंने यहां पर किया अब जब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो फिफ्टीन मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फोर प्लस वन इन टू एक्स डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर प्लस वन यानी कि ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू सिक्सटीन आई होप आपको मिक्सचर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट सॉल्व uh, करने का जो तरीका है वो पता होगा बेसिकली सेम चीज है इसको हम लोग मिस्टर एलिगेशन के वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज एज सिंपल एज दैट तो 15 इंटू ट्वेंटी कितना हो गया भाई 360 हो गया एंड दिस विल बी प्लस एक्स इज इक्वल टू फोर एंड एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई एक्स की वैल्यू यहां से डायरेक्टली 40 आ गई तो उस एक टीचर का वेट कितना रहा होगा उस एक टीचर का एज सॉरी एज कितना रहा होगा एज रहा होगा फोर्टी तो ये दोनों ही मेथड है आपको जो भी मेथड पसंद है आप उसको उस मेथड मेथड को अप्रोच कर सकते हो बट आई विल सजेस्ट आप ये मिक्सचर एलिगेशन वाला याद रखो बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी जो है वो आप ईजीली सॉल्व कर लोगे ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं द एवरेज मार्क्स ऑफ वन एटी स्टूडेंट इज फिफ्टी टू इफ द मीन ऑफ पास स्टूडेंट इज फिफ्टी नाइन एंड ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इज ट्वेंटी थ्री फाइंड नंबर ऑफ पास फेल स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है एक टोटल क्लास है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फेल हुआ है, कुछ दो ग्रुप है दो ग्रुप को मैं इंक्लूड करके मर्ज करके एक तीसरे फाइनल आउटकम की तरफ बढ़ रहा हूं तो मैं यहां पर मिक्सर एलिगेशन अप्लाई कर सकता हूं ठीक है अब देखो मीन ऑफ पास स्टूडेंट इज स्टूडेंट्स है ये हमारा फेल्ड स्टूडेंट्स है मीन कितना है भाई स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स का का मीन है फिफ्टी टू बेसिकली जो सेंट्रल सेंटर में आप वैल्यू लिखते हो ना ये इन दोनों के बीच में होनी चाहिए फिफ्टी नाइन एंड ट्वेंटी थ्री के बीच में होनी चाहिए ये भी एक तरीका है जैसे अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कभी मिक्सर एलिगेशन के uh, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते समय कंफ्यूजन होता है तो आप इस वे में भी जा सकते हो कई कई बार होता है स्टूडेंट्स को आप पता नहीं चलता है कि सेंटर में कौन सा नंबर दिखना चाहिए तो दो इन, इन दोनों नंबर्स के बिल्कुल बीच का नंबर होगा वो यहां पर आ रहा होता है ठीक है तो आप जब इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम ट्वेंटी एंड दिस विल बिकम सेवन ठीक है तो जो पास स्टूडेंट एंड फेल स्टूडेंट्स का रेशियो होगा वो होगा ट्वेंटी तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे 180 जो है वो कितने यूनिट्स की वैल्यू है टोटल वो कितने कितना हो गया भाई 36 हो गया एंड पास स्टूडेंट्स कितने ये तो रेशियो का है यहां पर मैं ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज आई होप कि आपको रेशियो का ये वाला कॉन्सेप्ट तो आता ही होगा फेल स्टूडेंट्स का कितना अमाउंट हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय थर्टी सिक्स मल्टीप्लाइड या फिर आप इसको सिंपली वन वन हंड्रेड एटी से तो मेरा कितना हो गया, भाई? मेरा हो गया, 140 students, 145 गया ये दिस विल बी वन फोर्टी थर्टी फाइव ठीक है ओके तो मेरे पास स्टूडेंट्स हो गए कितने हो गए 35 ओके, आई होप अब ये एक और टाइप का क्वेश्चन है टोटल एज ऑफ स्टूडेंट इज वन जीरो आप इसको टोटल सम करके भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो ये जो हम लोगों ने बेसिक मेथड सीखा था इससे भी आप जो है वो इन सभी के सभी क्वेश्चन को जो है वो अप्रोच कर सकते हो बट मिक्सर एलिगेशन आप ट्राई करो बिकॉज इससे आपके काफी सारे क्वेश्चन जो है वो सिंपल बन जाएंगे तो, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं द टोटल एज ऑफ क्लास ऑफ सेवन स्टूडेंट इज वन एवरेज एज ऑफ ट्वेंटी फाइव ऑफ देव इन मतलब फर्स्ट ट्वेंटी फाइव लोगों का एवरेज जो है वो ट्वेल्व गिवन है अनदर ट्वेंटी जो सेकंड ट्वेंटी फाइव लोगों का ग्रुप है उनका सिक्सटीन ईयर एवरेज है फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स रिमेनिंग कितने बच्चे बचे भाई टोटल सेवेंटी फाइव स्टूडेंट्स है फिफ्टी की मैंने ऑलरेडी बात कर ली तो ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स और बच्चे होंगे इनका एवरेज मुझसे पूछा गया है बट इन तीनों ग्रुप को मैं एक साथ मिला दूं तो मेरा एवरेज कितना बन रहा है इन तीनों ग्रुप को मर्ज कर देने के बाद मेरा जो एवरेज है वो कितना बनेगा वन जीरो फाइव जीरो डिवाइडेड बाई सेवेंटी फाइव बिकॉज ये जो वन जीरो फाइव जीरो गिवन है ये हमारा सम गिवन है तो ये आप जब करोगे तो आ जाएगा फोर्टीन ठीक है ये आपका इस दोनों ग्रुप को मर्ज करने के बाद का एवरेज है बस इसके बाद आपको बेसिक मिक्सचर एलिगेशन का जो है वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है जहां पर आपको ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्सटीन मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव दिस इज इक्वल्स टू फोर्टीन ठीक है आप जब इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 25x equal to 350 and x की वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो कितनी 14 तो हमारा राइट right आंसर क्या हो गया भाई राइट right आंसर हो गया 14 इयर्स ठीक है आई होप आपको ये वाला भी जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा देखो अगेन इसको आप x लेकर के भी कर सकते हो आपकी मर्जी है चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं द एवरेज वेट ऑफ 50 बॉल्स इज 50 ग्राम ठीक है 50 ओके uh, okay, इसको फाइव कर लेना एवरेज वेट ऑफ फिफ्टी बॉल्स इज फाइव ग्राम तो फिफ्टी बॉल्स का जो वेट है वह मुझे बोला गया फाइव ग्राम है ठीक है अब अगर मैं बैग का वेट भी इंक्लूड कर लेता हूं तो जो एवरेज वेट है ना वो 0.05 से इंक्रीज हो जाता है मतलब अगर मैं इन दो एक एक ग्रुप है 50 बॉल्स का और एक ग्रुप है केवल और केवल एक बैग का जिसका मुझे एवरेज वेट पता करना है बट जब मैं इन दोनों को मर्ज कर देता हूं तो मेरा जो एवरेज वेट है ना वो जीरो से इंक्रीज हो जाता है पहले फाइव था तो अब इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा भाई जीरो हो जाएगा ठीक है तो सिंपली ये मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो टू प्लस एक्स डिवाइडेड बाय फिफ्टी वन इज इक्वल्स टू फाइव पॉइंट जीरो फाइव ठीक है तो दिस विल बी फाइव पॉइंट जीरो फाइव मल्टीप्लाइड बाय फिफ्टी वन यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी टू फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव फाइव माइनस टू फिफ्टी यानी कि ये कितना आ गया आपका सेवन पॉइंट फाइव फाइव ग्राम्स ठीक है तो मेरा राइट right आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 7.55 पॉइंट फाइव आई होप आपको यहां तक का जो है वो समझ में आया होगा चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज थर्टी के जी एंड एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इन द सेम क्लास इज ट्वेंटी ऑफ बॉयज को फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स लेट कर लेता हूं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को जो है वो मैं वाई लेट कर लेता हूं ठीक है अब देखो एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन क्लासेस 30 के मतलब एक्स बॉयज रहे होंगे उनका एवरेज वेट मुझे 30 के जी की बने एंड वाई गर्ल्स रही होंगी इनका एवरेज वेट फॉर एग्जांपल मुझे 20 के जी की बने अब जब मैं पूरे यहां पर भी दो ग्रुप बन रहे हैं एक बॉयज का ग्रुप एक गर्ल्स का ग्रुप अब जब मैं पूरे होल क्लास को मतलब पूरे क्लास को एज अ होल देखता हूँ ना तो मेरा एवरेज कितना बन रहा है भाई ट्वेंटी थ्री बन रहा है ठीक है बहुत ही ज्यादा सिंपल है अब देखो वॉट कुड बी दॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स रेस्पेक्टिवली इन द सेम क्लास एक ही इक्वेशन है दो वेरिएबल है ठीक है हम लोग इसको पूरी तरीके से एकदम करेक्ट आंसर तो नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं बट हाँ एक के फॉर्मेट में हम लोग लेकर के जा सकते हैं दैट इस का मल्टीपल रह सकता है बॉयज एंड गर्ल्स का जो अमाउंट है वो तो ये कितना हो जाएगा भाई थर्टी एक्स प्लस ट्वेंटी वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 23.25 ठीक है तो दिस विल बी 30x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 23.25x प्लस 23.25y जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये कुछ आ जाएगा अराउंड 6.75x इज इक्वल्स टू 3.25y यानी कि x और y का रेशियो क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा आपका थ्री ट्वेंटी फाइव बाय सिक्स ट्वेंटी फाइव या फिर आप इसको और भी ज्यादा शॉर्ट में लेके जाओगे तो थर्टीन बाय ट्वेंटी सेवन मतलब नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है ना वो इस रेशियो में होगा मतलब ये जो हमारे क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है उसको मीट करने के लिए मिनिमम थर्टीन बॉयज एंड मिनिमम ट्वेंटी सेवन गर्ल्स चाहिए इनका मल्टीपल भी आंसर हो सकता है बट मिनिमम मुझे इतने ही इतने चाहिए ठीक है बिकॉज यहाँ पर पॉसिबल स्ट्रेंथ पूछा हुआ है तो थर्टीन एंड ट्वेंटी सेवन जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है अब देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको एक बार वीडियो पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करने की कोशिश करना ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी जो है वो कर चुके हैं इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स द एवरेज वेट ऑफ 35 फाइव बॉयज इज सिक्सटी थ्री के जी एंड डेड ऑफ ट्वेंटी फाइव गर्ल्स इज फिफ्टी फोर के जी थ्री ऑफ द स्टूडेंट्स वेगिंग सिक्सटी फोर सिक्सटी सेवन फिफ्टी एट आर रिप्लेस फोर न्यू स्टूडेंट्स ऑफ वेट सिक्सटी टू फिफ्टी एंड सिक्सटी एट फाइंड द चेंज इन एवरेज वेट ऑफ द क्लास अब मैंने आपको बताया आपको जनरली दो मैथड जो है वो एवरेजेस में याद रखने एक तो हमारा मिक्सर एलिगेशन हो गया जो कि जहां पर ग्रुप्स वगैरह यूज हो रहे हैं दो अलग अलग ग्रुप को कंबाइन करके एक एज अ होल एवरेज बताया जा रहा हो वहां पर आप यूज कर सकते हो क्रिकेट वाले क्वेश्चन हो गए या फिर आपके रेशियो से रिलेटेड हमने जो पहले क्वेश्चन किया था उसके अलावा जो एवरेजेस के लिए और भी एक पॉपुलर मेथड है वो है आपका सम फाइंड आउट करना तो यहां पर देखो टोटल मुझे बोला गया है दैट क्लास में 35 बॉयज का जो एवरेज वेट है वो 63 थ्री के जी है एंड ट्वेंटी फाइव गर्ल्स का एवरेज वेट जो है वो 54 फोर के जी है तो अगर मैं आपसे टोटल वेट ऑफ क्लास की बात करूं टोटल वेट ऑफ क्लास तो वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो भाई वो आप फाइंड आउट कर सकते हो एवरेज ऑफ बॉयज एवरेज वेट ऑफ बॉयज मल्टीप्लाइज मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉयज ठीक है टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस सेम चीज गर्ल्स के लिए मतलब मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स तो यहां से आप क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हो दैट एवरेज ऑफ बॉयज कितना है भाई एवरेज ऑफ बॉयज मतलब एवरेज वेट ऑफ बॉयज कितना है थर्टी फाइव है एंड टोटल बॉयज कितने हैं टोटल बॉयज हैं आपके 63 जैसा क्वेश्चन में प्लस 25 आपका एवरेज 25 आपके नंबर ऑफ गर्ल्स हैं एंड एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स कितना है भाई 54 है तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा थ्री ट्रिपल फाइव के जी इनको मल्टीप्लाई करके एड करने के बाद तो ये हमारा टोटल वेट ऑफ द क्लास हो गया अब आप ये देखो दैट मैंने कुछ स्टूडेंट्स को रिमूव करके कुछ नए स्टूडेंट्स को जो है वो इंक्लूड किया है जिसकी वजह से मेरा जो ओवरऑल एवरेज है ना वो चेंज हो रहा है तो फिर आप अगर ध्यान से देखो तो सबसे पहले मैं टोटल एवरेज ऑफ क्लास फाइंड आउट कर लेता हूं बिकॉज मुझे बोला क्या गया फाइंड द चेंज इन एवरेज वेट ऑफ द क्लास तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक एवरेज पहले चाहिए रहेगा रिप्लेसमेंट से पहले एंड एक एवरेज रिप्लेसमेंट के बाद चाहिए होगा तो रिप्लेसमेंट से पहले मेरा एवरेज वेट कितना आ रहा है भाई अगर मैं एवरेज की बात करूं तो यह आ जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल मेरे स्टूडेंट्स कितने सिक्सटी है 60 हैं. तो ये कितना आ गया भाई ये रिप्लेसमेंट से पहले का एवरेज है 59.25 ठीक है अब अगर मैं रिप्लेसमेंट की बात करूं तो रिप्लेसमेंट की वजह से मेरा चेंज कितना आ रहा है तो आप यहां पर फाइंड आउट करोगे तो चेंज इन टोटल वेट चेंज इन टोटल वेट की अगर मैं बात करूं तो इनिशियली हमारा कितने स्टूडेंट जो है वो चेंज हो रहे हैं 62 टू प्लस फिफ्टी प्लस फिफ्टी प्लस सिक्सटी एट माइनस फोर प्लस फिफ्टी एट बिकॉज ये ब्रैकेट में स्टूडेंट का जो वेट लिया है इन तीन स्टूडेंट को आप रिमूव कर रहे हो करेक्ट तो आपने यहां पर माइनस साइन लगा दिया एंड इनको रिमूव करने के बाद हम लोग ये फोर नए स्टूडेंट्स को ऐड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो टोटल सम दैट इज थ्री ट्रिपल फाइव के आ रहा था उसमें ये जो है वो चेंज होगा तो यहां पर अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये नेट चेंज कितना आ जाएगा फोर्टी नाइन के जी का आ जाएगा प्लस का साइन है मतलब जो मेरा टोटल वेट है वो इंक्रीज हो रहा है तो अब अगर आप देखो न्यू एवरेज क्लास का कितना हो जाएगा भाई न्यू एवरेज की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा थ्री ट्रिपल फाइव प्लस फोर्टी नाइन क्योंकि फोर्टी नाइन का नेट इंक्रीज हुआ है वेट में डिवाइडेड बाय सिक्सटी वन अब क्योंकि सिक्सटी वन स्टूडेंट्स है मैंने तीन स्टूडेंट्स को रिमूव किया है फोर को मैं लेकर के आया हूं तो एक स्टूडेंट मेरा एक्स्ट्रा आ गया तो ये आ गया आपका कितना फिफ्टी नाइन पॉइंट जीरो एट ठीक है अब अगर मैं इनिशियल एवरेज को देखता हूं फिफ्टी नाइन पॉइंट टू फाइव एंड फाइनल एवरेज को देखता हूं फिफ्टी नाइन पॉइंट जीरो एट तो आपका डिफरेंस कितने का आएगा जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 59.25 नाइन -59 पॉइंट टू फाइव माइनस फिफ्टी नाइन पॉइंट जीरो एट आप इन दोनों को subtract करोगे, तो आपका जो एवरेज में डिफरेंस आएगा वो आएगा 0.17 पॉइंट का तो आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका एक तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग ये काफी अच्छा क्वेश्चन है एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करना अब बेसबॉल टीम प्लेड टोटल ऑफ सिक्सटी मैचेस एंड वन थर्टी परसेंट ऑफ इट्स प्लेड गेम्स मतलब जो टीम है, वो थर्टी परसेंट मैचेस जो है वो जीती है तो थर्टी परसेंट ऑफ सिक्स कितना हो जाएगा भाई एटीन हो जाएगा मतलब ये जो बेसबॉल टीम है ना वो एटीन मैचेस अभी तक जीत चुकी है इसके बाद मुझे बोला गया है इसके बाद एक फिनॉमिनल विनिंग स्ट्रिक रहता है उस बेसबॉल टीम का एंड उसका जो विनिंग परसेंटेज होता है ना वो फिफ्टी परसेंट तक पहुंच जाता है

टोटल नंबर ऑफ मैचेस भी तो एक्स से इंक्रीज होंगे ना तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस पहले 60 थे अब एक्स मैच उन्होंने खेले हैं पूरे के पूरे एक्स मैच जीते हैं तो इसको करने की वजह से इनका जो एवरेज है वो 50 परसेंट आ जाएगा यानी कि आप इसको कह सकते हो 50 बाय 100 या फिर आप इसको लिख सकते हो 0.5 ठीक है अब ये बेसिक सा क्वाड्रेटिक नॉर्मल सा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया आपको इसको बस सॉल्व करना है 18 प्लस एक्स इज इक्वल यानी कि एंड की कितनी आगे भी? X की वैल्यू वैल्यू कितनी आ आ गई गई ट्वेंटी फोर मैचेस अगर वो लोग लगातार खेल करके सारे के सारे मैच जीत जाते हैं तो इनका जो एवरेज uh, है ना वो 50 परसेंट पर एक तरीके से 50 50 परसेंट पर जो है वो आकर के रुक जाएगा ठीक है ये एवरेज उनका कंसिस्टेंटली मेंटेन रहेगा तो ये इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपने सॉल्व करना है चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं

एंड अगर स्मॉलेस्ट नंबर को रिमूव करने की जगह पर मैं लार्जेस्ट नंबर को डिलीट कर देता हूं तो मेरा जो एवरेज है वो वाई बन चुका है फाइंड द एवरेज ऑफ लार्जेस्ट एंड द नंबर इफ एक्स प्लस समझना है दैट मैं अगर अज्यूम कर लेता हूं यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं दैट हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना उसको मैं फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल लेट कर लेता हूं एंड जो लार्जेस्ट नंबर है उसको फॉर एग्जांपल मैं एल लेट कर लेता हूं तो मुझे पूछा क्या गया है भाई मुझे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का एवरेज पूछा गया है तो एवरेज आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो एस प्लस एल डिवाइडेड बाई टू इस तरीके से आप जो है वो एवरेज को फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है मतलब ये चीज हम लोगों को अल्टीमेटली फाइंड आउट करनी है तो जो भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट गिवन है जो भी क्वेश्चन में चीजें दी हुई हैं, उसको सॉल्व करके कहीं ना कहीं मैं इस तरीके से लेकर के आऊं सो दैट मेरे पास एस प्लस एल डिवाइडेड बाई टू के फॉर्मेट का इक्वेशन बन जाए तो आप मुझे सिंपल सा ये बताओ दैट मुझे बोला गया है दैट जब आप स्मॉलेस्ट नंबर रिमूव करते हो तो आपका जो एवरेज है वो x बन जाता है तो फिर एवरेज मेरा एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सम बाय टोटल तो अगर मेरा सम 270 है इसमें से मैं स्मॉलेस्ट नंबर रिमूव कर देता हूं ठीक है एंड टोटल नंबर मेरे नाइन है तो ऐसा करने की वजह से मेरे पास नंबर क्या बन जाएगा एक्स बन जाएगा करेक्ट यही चीज बोली गई है तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूं 270 सेवेंटी माइनस एस को सम मत समझ लेना इज स्मॉलेस्ट नंबर इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेता हूं इसके बाद मुझे बोला गया है दैट अगर मैं टोटल सम में से लार्जेस्ट नंबर डिलीट कर देता हूं मतलब लार्जेस्ट नंबर डिलीट करने के बाद क्या होगा 270 में से लार्जेस्ट नंबर कम हो जाएगा डिवाइडेड बाय नाइन तो ऐसे केस में एवरेज जो है वो वाई आ जाता है तो इस केस में मेरा एक सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा वो हो जाएगा टू सेवेंटी माइनस एल इज इक्वल टू नाइन वाई ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया ठीक है अब यहां पर आपने क्या करना है आप इन दोनों इक्वेशन को सिंपली एड कर दो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों को आप जब एड कर दोगे तो यह आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ टू हंड्रेड एंड सेवेंटी माइनस नाइन्टी इज इक्वल टू स्मॉलर नंबर प्लस स्मॉलेस्ट नंबर प्लस लार्जेस्ट नंबर अब इसमें से आप टू कॉमन ले लो ठीक है तो यह आ गया आपका टू हंड्रेड एंड सेवेंटी माइनस फोर्टी फाइव करेक्ट दिस विल बी इक्वल टू सम स्मोलेस्ट प्लस लार्जेस्ट ठीक है अब देखो 270 में से 45 गए तो इट विल सिंपली कम एज 225 225 क्या हो जाएगा एंड ये जो 2 LHS में है, उसको मैं राइट हैंड साइड लेकर जाऊंगा तो एस प्लस एल बाई टू के फॉर्मेट में मेरा एक इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो गया तो अब देखो मुझे बेसिकली एस प्लस एल बाई टू चाहिए था एंड उसी फॉर्मेट में मेरा ये इक्वेशन सॉल्व हो चुका है तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव ठीक है भाई आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा जैसा मुझे पूछा गया मैंने उस पूरे के पूरे इक्वेशन को वैसे फॉर्मेट में चेंज कर लिया ओके okay? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं थर्टी स्टूडेंट्स हैव अ सर्टेन एवरेज वेट देखो यहां पर पहला स्टेटमेंट पढ़ते के साथ ही मुझे पता चल रहा है दैट यहां पर जो क्वेश्चन है वो ग्रुप में फॉर्म किया गया है नाउ टू मोर स्टूडेंट्स विद फिफ्टी के जी एंड फोर्टी के जी ज्वाइंट देम सो दैट द एवरेज इंक्रीजेस बाय द बाय वन के जी अब देखो जनरली अगर रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं है ना या फिर अगर आपने किसी ग्रुप में से कुछ कुछ स्टूडेंट्स को रिमूव किया है या फिर कुछ स्टूडेंट्स नए आ चुके हैं जिसमें रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है वैसे केसेस में आप मिक्सर एलिगेशन को ईजिली यूज कर सकते हो तो देखो मुझे क्या बोला गया है दैट थर्टी स्टूडेंट्स का कुछ एवरेज वेट रहा होगा तो मैं उस एवरेज वेट को एक्स मान लेता हूं इसके बाद मुझे बोला गया है दो और स्टूडेंट आते हैं जिनका वेट 50 के जी एंड 40 के जी है तो इन इन दोनों का मैं अलग ग्रुप मान लेता हूं तो इस ग्रुप में दो लोग हैं एंड इन दोनों का एवरेज वेट कितना है यहां पर ऊपर आपको एवरेज लिखना है तो 50 एंड 40 का एवरेज हो जाता है 45 ठीक है अब इस पूरे सिनेरियो में मतलब जब पहले थर्टी स्टूडेंट्स थे और उसके बाद में दो स्टूडेंट्स अलग से आ गए इस पूरे ग्रुप को जब मैंने कंसिडर किया जब ये सब लोग आपस में मिल गए तो जो मेरा एवरेज है वो कितना हो गया इंक्रीज बाय वन

इक्वल्स टू टू एक्स यानी कितनी आपकी ट्वेंटी बट मुझे बोला गया फाइंड न्यू एवरेज ऑफ थर्टी टू स्टूडेंट्स थर्टी टू स्टूडेंट्स का एवरेज कितना था मर्ज कर देने के बाद थार्टी टू स्टूडेंट्स का एवरेज एक्स प्लस वन था तो एक्स प्लस वन जो है उसका आंसर कितना आ जाएगा थर्टी आ जाएगा तो आप जल्दबाजी में थर्टी के जी आंसर मत ट्वेंटी uh, ठीक मत कर देना राइट आंसर जो है वो थर्टी के जी होगा ठीक है भाई चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ सिक्स मेंबर्स इज इफ द एज ऑफ मेंबर इज द एज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर देखो सिंपल सा चीज है ये आप टुडे की बात कर रहे हो आज की आज इनका एवरेज एज कितना है भाई ट्वेंटी टू ईयर्स है अब मुझे सेवन ईयर्स पीछे की बात पूछी हुई है तो सात साल पहले इनका एवरेज एज कितना रहा होगा मैंने आपको बताया था अगर इंडिविजुअल टर्म्स में सेम अमाउंट इंक्रीज या फिर डिक्रीज या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो रहा हो तो एवरेज में भी वो सेम इफेक्ट पड़ता है तो इंडिविजुअल मेंबर्स जैसे फॉर एग्जांपल एक मेंबर मैं ऐसा ज्यूम कर ले रहा हूं देट सभी मेंबर्स की एज फोर्टीन ईयर्स है ठीक है ये तीन मेंबर्स है तीनों की एज फोर्टीन है सेवन ईयर्स पहले तो इनका एवरेज कितना हो गया फोर्टीन ही हो गया सेवन ईयर्स पहले इनकी एवरेज एज कितनी रही होगी सेवन क्योंकि सेवन ईयर्स पहले इन तीनों में से ही सेवन सेवन जो है वो सब हो होगा तो सिमिलरली इस केस में भी जो सेवन ईयर्स पहले की बात की गई है एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट तो सात साल पहले बर्थ हुआ होगा तो ऐसे केस में जो आपका एवरेज है वो कितना हो जाएगा फिफ्टीन ईयर्स हो जाएगा बट आपको यहां पर एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखनी है अगर क्वेश्चन में ऐसा स्पेशल केस केस मेंशन ना किया जाए तो आप ऐसा अज्यूम करोगे दैट जिस सेवन ईयर्स पहले की बात हो रही है ना उस समय पर ये जो अपना यंगेस्ट मेंबर है उसका जन्म नहीं हुआ था मतलब सात साल पहले इस फैमिली में टोटल पांच भी होते हैं एंड मेंबर्स सात साल पहले भी होते हैं बट सेवन ईयर्स पहले टोटल सिक्स मेंबर्स नहीं है सेवन ईयर्स पहले केवल और केवल फाइव मेंबर्स हैं बिकॉज एक इंसान जो है एक जो यंगेस्ट मेंबर है उसका जन्म नहीं हुआ है ठीक है तो फिफ्टीन ईयर्स मेरा इस तरीके से गलत आंसर बन जाएगा ऐसे केस में मुझे क्या करना होगा मुझे सम निकालना पड़ेगा तो सम ऑफ पहले तो आप फाइंड आउट करो तो सम ऑफ कितना हो गया भाई? सिक्स टोटल मेंबर्स है सिक्स टू आर ट्वेल्व एंड वन थर्टी टू ईयर आपका सम हो जाएगा ठीक है अब सात साल पहले क्या सीन चल रहा होगा सम ऑफ एजेस सेवन ईयर्स अगो सेवन ईयर्स पहले कितना एज चल रहा होगा भाई इनका सम कितना चल रहा होगा दैट विल बी वन हंड्रेड एंड थर्टी टू माइनस टोटल में सिक्स एंड सबकी एज कितनी कम हो रही है सात सात साल कम हो रही है तो ये हो जाएगा आपका वन थर्टी टू माइनस फोर्टी टू नाइनटी ईयर्स तो अब मेरा जो सम ऑफ एजेस है ना सेवन ईयर्स पहले का वो नाइन्टी है अब यहां पर देखो अगर मैं यहां इस वाले मेथड से जाता तब भी अगर मेरे टोटल मेंबर्स सिक्स होते ना तो मेरा आंसर अभी भी फिफ्टी नहीं आता बट अगर मैं टोटल मेंबर्स की बात करूं तो जो यंगेस्ट मेंबर है वो जीरो ईयर का हो गया है जीरो ईयर का मतलब है दैट वो पैदा ही नहीं हुआ है उसका जन्म ही नहीं हुआ है तो टोटल मेंबर्स अब मेरे कितने हो गए भाई टोटल मेंबर्स मेरे हो गए हैं फाइव तो अब जो मेरा एवरेज होगा सेवन ईयर्स पहले का वो हो जाएगा नाइनटी डिवाइडेड बाय फाइव ना कि सिक्स ठीक है तो ये हो जाएगा आपका एटीन ईयर्स तो आपका करेक्ट आंसर इस केस में एटीन ईयर्स होगा ना कि फिफ्टीन ईयर्स बट एट द सेम टाइम अगर इस सेवन ईयर की जगह पर मुझे सिक्स ईयर बोला जाता ना तो मैं यहाँ पर मेंबर जो है वो नंबर ऑफ मेंबर्स सेम में ट्वेंटी टू माइनस सिक्स में करके मेरा अपना आंसर दे देता जो कि होता सिक्सटीन ईयर्स बट यहाँ पर सेवन ईयर पहले की बात बोली गई है सेवन ईयर्स पहले एक मेंबर जीरो ईयर का है मतलब वो मेंबर है ही नहीं आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं द एवरेज ऑफ लेवन रिजल्ट इज फिफ्टी एवरेज ऑफ फर्स्ट सिक्स रिजल्ट इज फोर्टी नाइन एंड देट ऑफ लास्ट रिजल्टी टू फाइंड दिक्स नंबर है देखो टोटल एट नाइन टेन इलेवन पहला जो एवरेज है वो इन सिक्स नंबर का दिया गया है अगला जो एवरेज है वो इस सिक्स पीछे के सिक्स नंबर का दिया गया है अब ऐसे केस में ये जो बीच का नंबर है ना ये दो बार काउंट हो रहा है करेक्ट ये ओके यहां पर एक नंबर लगा देता हूं मैं ये बीच का नंबर जो है वो दो बार काउंट हो रहा है तो इस वाले का सम एंड इस वाले के सम को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो जो मेरा एक्स्ट्रा आ रहा होगा वही वो बीच वाला नंबर होगा करेक्ट तो सिक्स नंबर पूछा गया तो वही मेरा सिक्स नंबर होगा बहुत सिंपल है तो टोटल सम देख लो भाई कितना है टोटल सम कितना है लेवन इंटू फिफ्टी यानी कि फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी आपका टोटल सम है ठीक है सम ऑफ फर्स्ट सिक्स कितना है सम ऑफ फर्स्ट सिक्स नंबर हो जाएगा आपका फोर्टी नाइन मल्टीप्लाइड बाई स टू हंड्रेड एंड नाइन फोर ठीक है सम ऑफ लास्ट नंबर कितना हो जाएगा टोटल एवरेज है इसका फिफ्टी टू ठीक है एंड टोटल नंबर है सिक्स तो ये कितना हो गया भाई ये हो गया आपका थ्री हंड्रेड एंड ट्वेल्व अब फर्स्ट एंड लास्ट को जब आप ऐड करोगे यानी कि टू नाइनटी फोर प्लस थ्री हंड्रेड एंड ट्वेल्व को जब आप ऐड करोगे तो ये कितना आ रहा है ये आ जाएगा आपका एक्स्ट्रा कितना आएगा 56 extra आएगा एक्स्ट्रा यानी कि प्लस थ्री हंड्रेड एंड ट्वेल्व विल बी सिक्स हंड्रेड एंड सिक्स तो सिक्स नंबर कितना होगा भाई ये जो सम से एक्स्ट्रा आ रहा है यही तो हमारा बीच का नंबर होगा क्योंकि ये दो बार काउंट हो रहा होगा है कि नहीं तो ऐसे केस में आपको 606 जीरो माइनस फाइव करना होगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 50 तो 56 जो है वो आपका एक तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट में आया होगा चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं द एवरेज टेम्परेचर देखो ये क्वेश्चन जो है वो एग्जेक्टली exactly उसी तरीके से जो हमने पहले किया है देखो एक वीक में कितने डेज होते, है? होते हैं सेवन डेज होते हैं संडे मंडे ट्यूजडे वेन्सडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे मुझे बोला गया चारों दिनों का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है आपका फोर्टी पॉइंट टू डिग्री सेल्सियस एंड डेट ऑफ लास्ट फोर डेज इन चारों डेज का जो लास्ट फोर डेज का एवरेज टेम्परेचर है वो है फोर्टी वन पॉइंट थ्री डिग्री सेल्सियस इफ दी एवरेज टेम्परेचर ऑफ होल वीक इज फोर्टी पॉइंट सिक्स मतलब इस पूरे के पूरे अगर हम लोग वीक को Uh, करें तो इसका एवरेज कितना है फोर्टी पॉइंट सिक्स है तो सेम ऑफ़ अगर, अगर आप पूरे वीक का कैलकुलेट करो ये पूरे वीक का मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो फोर्टी पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाय सेवन कितना आ जाएगा भाई यह आ जाएगा टू एटी फोर पॉइंट टू ठीक है इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं सम ऑफ टेम्परेचर एंड ये है आपके फर्स्ट फोर वीक का ठीक है फर्स्ट फोर डेज का सॉरी फर्स्ट फोर डेज का कितना हो जाएगा वन हंड्रेड एंड सिक्स एट एंड सिमिलरली सम ऑफ सम्परेचर की अगर मैं बात करूं लास्ट के फोर डेज का तो यहां पर मैं मैंशन कर देता हूं लास्ट फोर डेज तो ये आ जाएगा आपका कितना फोर्टी वन पॉइंट थ्री मल्टीप्लाइड बाय फोर ये हो रहा है आपका कितना 165.2 अब फाइव पॉइंट टू अब इन दोनों का सम जो है वो इस जो हमारे पूरे वीक का सम था उससे ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर मैंने वेंसडे को दो बार काउंट कर लिया एवरेज को फाइंड आउट करते समय एक बार फर्स्ट फोर डेज में एक बार लास्ट फोर डेज में तो ये जो डिफरेंस होगा ना वही हमारा वेंसडे का टेम्परेचर होगा तो ये मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं आपको सिंपली यहां पर मेंशन करना है दैट 284 एटी टेचर तो 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 है, है तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी जो है वो समझ में आया होगा देखो ये बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एन एयरप्लेन फ्लाइज अलोंग फोर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर एट स्पीड ऑफ टू हंड्रेड फोर हंड्रेड सिक्स हंड्रेड एट हंड्रेड किलोमीटर पर आवर फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन देखो ये हमारा एक प्रोग्रेशन है करेक्ट टू फोर सिक्स एट इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है एंड एपी के केस में मैंने आपको क्या बताया था दैट जो सेंट्रल नंबर होता है ना वही हमारा एवरेज होता है बट यहां पर तो कोई सेंट्रल नंबर है नहीं करेक्ट तो सेंट्रल नंबर फाइंड आउट करने के लिए मुझे इन दोनों नंबर का एवरेज लेना पड़ेगा तो फोर एंड सिक्स का एवरेज कितना हो गया भाई फाइव हो गया तो मेरा आंसर फाइव हो गया नो दिस इज रॉन्ग वाई देखो अगर ये केवल नॉर्मल नंबर्स होते ना टू हंड्रेड फोर हंड्रेड सिक्स हंड्रेड एट हंड्रेड तब मेरा जो आंसर है वो फाइव हंड्रेड आता बट यहां पर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो ये क्वेश्चन जो है वो टाइम स्पीड डिस्टेंस का है मतलब ये दैट इसका एवरेज हम लोग जैसे नॉर्मली फाइंड आउट करते हैं ना वैसे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं इसके बहुत सारे फार्मूले होते हैं ए प्लस बी प्लस ए बी बाई हंड्रेड या फिर थ्री uh, uh, का ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी इस तरीके से बहुत सारे मल्टीपल फार्मूलेज होते हैं बट फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर चेंज होते रहेंगे तो आपका फॉर्मूला भी अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा तो आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो। देखो स्पीड क्या होता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे किसी कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर आ रही है ठीक है ये मेरी कार है एंड पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए इसका जो एवरेज स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर आ रहा है तो क्या इसका ये मतलब है दैट ये कार जो है वो एकदम अचानक से स्टार्ट होते हैं 50 किलोमीटर पर पहुंच गई और बी पर बी पॉइंट पर पहुंचते ही जो कार है वो अचानक से जीरो हो गई ऐसा नहीं है एक्सेलरेशन हुआ होगा कार का पहले इस कार ने जीरो से स्टार्ट किया होगा ऊपर तक गई होगी हो सकता है फिफ्टी से ऊपर भी इसकी स्पीड गई होगी फिफ्टी से नीचे भी गई होगी बट जो एवरेज मेरा बैठा है ना वो ए एंड बी के बीच में फिफ्टी किलोमीटर पर आवर का होता है पर आवर का बैठा है अब एवरेज स्पीड का मतलब आप ऐसा समझ लो दैट एवरेज स्पीड बेसिकली वो स्पीड होती है जिस स्पीड से मैं बाकी सभी स्पीड को रिप्लेस कर दूं ना जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं दैट फॉर एग्जाम्पल इसकी स्पीड बीच में कभी टेन किलोमीटर पर आवर रही होगी कभी सिक्सटी चली गई होगी कभी फोर्टी चली गई होगी तो इन तीनों के तीनों स्पीड को मैं किस स्पीड से रिप्लेस कर दू मैं बस एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये फिफ्टी किलोमीटर ना भी आए इसका एवरेज बस मैं आपको एग्जाम्पल लेने के लिए समझा रहा हूं तो इन तीनों स्पीड को मैं किस एक सिंगल स्पीड से रिप्लेस कर दू सो दैट ए और बी का जो भी डिस्टेंस रहा होगा ना उसको कवर करने में वो सेम टाइम लगाएगा जितने वो टाइम स्पीड को बदल बदल के लगा रहा होगा ठीक है तो इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड ओके तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही होता है जो मैंने अभी आपको लिखा हुआ है दैट इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टोटल टाइम तो ये आपका टोटल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आप सिंपली इसको नंबर्स की तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हो अब देखो टोटल डिस्टेंस जो है वो आप x लेट कर सकते हो या फिर इन चारों का एलसीएम लेट कर सकते हो जो कि आराम से इन चारों नंबर से कट जाए बहुत सारे मेथड आप वन ले लो हंड्रेड ले लो ले लो बट जनरली हम लोग इस क्वेश्चन के लिए x लेट करके करते हैं सो देट आपकी क्लैरिटी बनी रहे तो टोटल डिस्टेंस मुझे पता करना है टोटल डिस्टेंस एक ये फोर साइडेड स्क्वायर है ठीक है तो मैं अज्यूम कर लेता हूं दैट सारा साइड जो है वो x किलोमीटर का है तो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना आ गया भाई टोटल डिस्टेंस मेरा फोर आ गया अब टाइम कितना लगा है अब यहां पर मेरे को एक चैलेंज होगा मुझे टाइम नहीं दिया गया ठीक है बट मुझे यह पता है दैट टाइम क्या होता है टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड ठीक है तो पहले केस में जब स्पीड 200 थी तो मेरा टाइम कितना लगा होगा भाई टाइम लगा होगा 200 हंड्रेड बाय एक्स ठीक है तो टोटल टाइम जैसे कि आप, आपको मैंने बताया है आपके एवरेज के फॉर्मूले में टोटल टाइम आता है तो यहां पर अगर टोटल टाइम की मैं बात करूं तो वो चारों टाइम को एड करना पड़ेगा टू हंड्रेड बाय एक्स प्लस अगर फोर हंड्रेड की स्पीड से प्लेन जो है वो फ्लाई करता है तो एक्स डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको फोर हंड्रेड बाय एक्स टाइम लगेगा प्लस सिक्स हंड्रेड बाय एक्स प्लस एट हंड्रेड एक्स तो आप जब इन चारों को एड कर दोगे तो आपका टोटल टाइम कितना आ जाएगा भाई आपका टोटल टाइम आ जाएगा ट्वेंटी फाइव एक्स डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फोर हंड्रेड यानी कि आपको सिंपली x बाय नाइनटी 6 आपका टोटल टाइम आ जाएगा अब इसको मैं एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में पुट कर दूंगा टोटल टाइम के देखो अग, मैंने एक्स लिया तो ऊपर नीचे X, X जो है वो कैंसिल हो जाएगा इसलिए मैं बोल रहा हूं कोई भी नंबर लोगे वो ऑटोमेटिकली कैंसिल ही होने वाला है ठीक है तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा एक्स बाय नाइनटी सिक्स ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा नाइनटी सिक्स बाय एक्स ठीक है तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो आपका स्पीड कितना आ गया नाइनटी सिक्स मल्टीप्लाइड बाई फोर यानी कि थ्री हंड्रेड एंड एटी फोर किलोमीटर पर आवर तो ये आपका डी ऑप्शन हो गया करेक्ट आंसर ठीक है आई होप आपको एवरेज स्पीड का मतलब कॉन्सेप्ट में आया होगा ऐसा मैंने एक और क्वेश्चन लिया हुआ है सो so दैट आपकी क्लैरिटी बन जाए आप वीडियो को पॉज करके जरूर से खुद से ट्राई करो बिकॉज कई बार स्टूडेंट्स को मैंने देखा है दैट जब भी उनसे एवरेज स्पीड पूछा होता है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ना होने की वजह से स्टूडेंट्स क्या करते हैं सिंपली इन चारों नंबर को एड करके फोर से डिवाइड करके एंड फाइव हंड्रेड टिक कर देते हैं बट नो एवरेज स्पीड इज डिफरेंट एवरेज ऑफ स्पीड इज डिफरेंट ठीक है चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं 60 तो मैं पर सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस कर लेता हूं, x. टोटल डिस्टेंस मैंने अज्यूम कर लिया x. ठीक है अब उसने आधा डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है तो टोटल टाइम मेरा कैसे निकल सकता है भाई टोटल टाइम मेरा निकल सकता है हर एक इंडिविजुअल टाइम को एड करके तो टाइम क्या होता है टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो इसने आधी डिस्टेंस जो है वो 60 की स्पीड एक्स बाय ट्वेंटी आई होप आपको ये रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट आता होगा तो एक्स बाय टू ठीक है मल्टीप्लाइड बाय वन बाय सिक्स प्लस अब उसने बचा हुआ है हाफ ऑफ द रिमाइंडर बाय बस मतलब बचा हुआ कितना डिस्टेंस है एक्स बाय टू अब एक्स बाय टू का भी आधा उसने बस से कवर किया है मतलब उसने बस से कितना डिस्टेंस कवर किया, किया? किया. Uh, तो है कितना डिस्टेंस भाई? X by ही बचा होगा इसको इसने साइकिल से कवर किया है टेन की स्पीड से फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग एंटायर जर्नी तो आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो दिस विल बी एक्स बाय ट्वेंटी प्लस एक्स बाय ट्वेंटी प्लस एक्स बाय फोर्टी तो ये आपका टोटल आ जाएगा x बाय ट्वेंटी फोर यह आपका टोटल टाइम आ गया अब एवरेज स्पीड का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन तो टोटल डिस्टेंस मेरा x मैंने किया था टोटल मेरा एक्स बाय ट्वेंटी फोर ठीक है तो यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो x मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फोर बाय एक्स एक्स से x कैंसिल हो जाएगा तो आपका जो एवरेज स्पीड आ जाएगा वो आ जाएगा ट्वेंटी फोर किलोमीटर पर आवर तो 24 किलोमीटर पर आवर जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में अब देखो भाई ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना एक बार वीडियो को पॉज करके बट इस क्वेश्चन को समझाने से पहले एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसा है जहां पर आपके जो ये रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन हैं अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाते हो तो रिप्लेस वाले क्वेश्चन को आप बहुत ही ज्यादा ईजिली कर पाओगे जहां पर हो सकता है किसी स्टूडेंट के मार्क्स को रिप्लेस किया गया जैसे इस क्वेश्चन में इस थर्टी मार्क्स को जो है वो रिप्लेस कर कर दिया गया, कर दिया गया गया बेसिकली चेंज किसी दूसरे मार्क्स से तो वो एग्जैक्टली exactly किस मार्क्स से चेंज किया गया फॉर एग्जाम्पल तो हम लोग uh, एक स्टूडेंट है जिसके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में कुछ मार्क्स हैं टेन ट्वेल्व फिफ्टीन थर्टीन एंड टेन ठीक है 10, 12, 15, 13, ये इस स्टूडेंट के पांच डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं अब इसका अगर मैं एवरेज बोलूं एवरेज अगर मैं फाइंड आउट करूं तो इसका एवरेज आ जाएगा ट्वेल्व एवरेज का मीनिंग क्या होता है एवरेज बेसिकली वो नंबर होता है जिससे जो नेट डेविएशन होता है हर एक नंबर का डेविएशन है उस सबको मैं एक तरीके से सम कर दूं तो नेट डेविएशन जीरो आएगा करेक्ट तो मैं क्या ये नहीं कह सकता दैट ये सारे नंबर्स एक तरीके से वर्चुअली नॉट रियली बट वर्चुअली ट्वेल्व ही हैं करेक्ट ये सारे के सारे नंबर्स वर्चुअली ट्वेल्व ही हैं बिकॉज इसका एवरेज ट्वेल्व है ठीक है मतलब अगर ये सारे नंबर ट्वेल्व भी होते ना तब भी मेरा एवरेज वही होता जो ऐसा होने, होने की वजह से बेसिकली हो क्या रहा है इस ट्वेल्व ने अपने टू जो है वो इसको दे दिए तो ये ट्वेल्व जो है वो ओके okay, इस 12, ये तो 12 पहले से ये 15 जो है ना बेसिकली ये इसको टू दे देगा तो ये टेन जो है वो ट्वेल्व हो जाएगा फिफ्टीन जो है वो थर्टीन बन जाएगा ये थर्टीन वन इसको दे देगा कि ये टेन इलेवन बन जाएगा एंड ये जो थर्टीन है वो दो मार्क्स इधर दे एक मार्क्स इधर दे देगा तो ऐसा करने की वजह से जो पूरा का पूरा नेट डेविएशन है ना वो जीरो हो जाएगा एंड सारा जो एवरेज है वो ट्वेल्व बन जाएगा अब फॉर एग्जाम्पल ये जो स्टूडेंट है ना इसके ये जो लास्ट वाले सब्जेक्ट के मार्क्स है टेन मार्क्स इस स्टूडेंट को लगता है दैट मेरे इस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आने चाहिए थे इस स्टूडेंट ने क्या किया री के लिए पेपर डाला तो रीवेलुएट करने के बाद टीचर को लगा दैट हाँ कुछ काउंटिंग मिस्टेक हो गई थी तो हमारा जो न्यू मार्क्स है ना वो ये जो लास्ट सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो 10 की जगह पर तो सेम तो मतलब है, है अगर इसके हर एक सब्जेक्ट में 14 मार्क्स होते करेक्ट हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हो गए होते, हैं, 14 होते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया है 10 मार्क्स को 20 मार्क्स से रिप्लेस कर दिया जिसकी वजह से मेरा जो एवरेज है ना वो 2 मार्क्स से इंक्रीज हो गया करेक्ट आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी तो इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करने का वैसे तो आप सम वाला मेथड जो है वो हमेशा आप यूज कर सकते हो जहां पर आप एवरेज uh, को मल्टीप्लाई कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है बट ये, है, आपको ये अगर समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन तो पर ट्वेल्व जो जो पहले था अब जो है वो हर जगह पर फोर्टीन है मतलब टू का इंक्रीमेंट कितनी बार हुआ है भाई टोटल वन टू थ्री फोर फाइव पांच सब्जेक्ट है तो टू का इंक्रीमेंट फाइव टाइम्स हुआ यानी कि टोटल टेन मार्क्स एक्स्ट्रा एड हुए हैं एवरेज में करेक्ट एवरेज को फाइंड करते टाइम जो सम रहा होगा उसमें टेन मार्क्स एक्स्ट्रा एड हुए हैं तो ऑब्वियसली पिछला मार्क्स अगर मुझे पता है तो फिर नेक्स्ट मार्क्स इससे टेन मार्क्स ज्यादा रहा होगा some for, some करने का वो तो हमेशा काम करेगा ही करेगा बट ये लॉजिकल डिडक्शन था लॉजिकल एक तरीके से इंटरप्रिटेशन था किस तरीके से एवरेजेस काम करता है किस तरीके से एवरेजेस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप बिना कोई फॉर्मूला रिमेंबर किए तो अब यहां पर देखो एवरेज मार्क्स जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है 0.75 पॉइंट टाइम से टोटल 20 स्टूडेंट्स थे तो 0.75 मार्क्स टोटल कितनी बार इंक्रीज हो हो बार इंक्रीज इंक्रीज हो हो रहा रहा होगा होगा, भाई 20 15. तो मतलब ये जो चेंज इन मार्क्स हुआ है ना इसकी वजह से फिफ्टीन मार्क्स का अंतर पड़ा है अब देखो एवरेज मार्क्स जो है वो इंक्रीज हुआ है मतलब जो मार्क्स मैंने रिप्लेस किया वो थर्टी तो 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 प्लस फिफ्टीन आंसर इज फोर्टी फाइव तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो ओरली आप जो है वो इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर लोगे ठीक है चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं द एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन टेन पेपर्स आर एटी तो भाई सम कितना हो जाएगा सम हो जाएगा आपका टेन इंटू एटी यानी कि एट हंड्रेड आपका टोटल सम हो गया आगे मुझे बोला गया दैट इफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट स्कोर्स आर नॉट कंसिडर्ड द एवरेज बिकम्स एटी वन ठीक है तो अगर सम अगर फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इज इग्नोर्ड ऐसे केस में हमारा सम कितना हो जाएगा भाई एवरेज है एटी वन एंड टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने बज गए टोटल पहले 10 थे दो को मैंने इग्नोर कर दिया तो अब नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है ना वो सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी एट है अब इन दोनों में आप अगर गैप देखते हो ना एट हंड्रेड एंड सिक्स फोर्टी एट में तो ये गैप जो है वो वन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू का आ रहा है मतलब जो सम है ना फर्स्ट एंड लास्ट का इसका जो सम था वो वन फिफ्टी नाइन बन रहा था करेक्ट

ठीक है ओके दिस इज नॉट फर्स्ट नंबर बेसिकली स्मॉलेस्ट नंबर है ठीक है आप मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इस डेटा को जो है वो चेंज कर सकते हो तो अगर मुझे लार्जेस्ट नंबर दिया हुआ है तो उसमें से मैं सम में से अगर लार्जेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा ठीक है चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फाइव ईयर्स अगो द एवरेज एज ऑफ पी क्यू आर एंड एस वॉज फोर्टी फाइव ईयर्स देखो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया दैट अगर पांच साल बाद की बात हो रही है ना तो एवरेज करंट एवरेज बेसिकली करंट एवरेज कितना हो जाएगा भाई अगर पांच साल पहले इन चारों लोगों का जो एवरेज था वो फोर्टी फाइव ईयर्स है तो पांच सालों के बाद इनका एवरेज कितना हो जाएगा फिफ्टी ईयर्स मैंने आपको ये चीज बता रखी है दैट पांच सालों में हर एक की एज में फाइव का इंक्रीमेंट हो रहा होगा तो जब कोई एक नंबर हम लोग मतलब इन, हर एक ऑब्जर्वेशन को एक पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीज डिक्रीज डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरेज में भी सेम चेंज आ रहा होता है ठीक है अब देखो करंट एवरेज इतना हो गया करंट सम ऑफ एजेस कितना हो जाएगा करंट सम ऑफ एजेस तो आपका होता है एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने ऑब्जर्वेशन है भाई वन टू थ्री एंड फोर यानी कि जो करंट सम है वो है टू हंड्रेड ईयर्स ठीक है टू हंड्रेड ईयर्स मेरा करंट सम हो गया इसके बाद मुझे बोला गया है दैट जो है एक न्यू पर्सन आकर के ज्वाइन करता है एंड टी के ज्वाइन करने की वजह से जो एवरेज एज है ना वो फोर्टी नाइन ईयर्स बन जाता है इसको देखो इस क्वेश्चन को आप बेसिकली मिक्सचर एलिगेशन से भी जो है वो सॉल्व कर सकते हो बहुत ही ज्यादा इजिली मैं वो भी मैथड आपको बता दूंगा तो देखो क्योंकि यहां पर दो ग्रुप बन रहा है एक ग्रुप इन चारों लोगों का बन रहा है एक ग्रुप केवल अकेले एक टी का बन रहा है ठीक है जहां पर भी दो ग्रुप ऐड हो रहे होंगे वहां पर हम लोगों ने मिक्सचर एलिगेशन को भी अप्लाई कर सकते हो जो ज्यादा इजी पड़ता है तो पहले मैं इसको बेसिक मेथड से बता देता हूं अब देखो इसके बाद मुझे बोला गया टी के ज्वाइन करने के बाद उनका एवरेज एज जो है है ना वो 49 बन चुका एजीन ईयर मल्टीप्लाइड बाई अब लोग कितने है? लोग हैं अब टोटल पांच पहले चार लोग हुआ करते थे अब टोटल पांच लोग हैं तो फोर्टी नाइन मल्टीप्लाइड बाई फाइव कितना हो गया टू फोर्टी फाइव हो गया तो ये जो सम में डिफरेंस आ रहा है ना वो टी के आने की वजह से आ रहा है तो ये जो 45 फाइव ईयर एक्स्ट्रा आ रहा है वो बेसिकली टी का एज है इसको आप मिक्सर एलिगेशन से कैसे कर सकते देखो इन चारों लोगों का एवरेज कितना है आप करंट एवरेज लोगे क्योंकि टी टी ने करंट करंट में आकर के ज्वाइन किया है तो चारों लोगों का जो एवरेज है वो है फोर्टी फाइव एक अकेला टी जो है वो एक अकेला पर्सन है उसका मुझे एवरेज एज नहीं पता है एवरेज एज कह लो या सिंपल एज कह लो एक इंसान का एवरेज एज वही होता है जो उसका एज होता है ठीक है एंड इन दोनों ग्रुप को जब मैं इंक्लूड कर लेता हूं एक साथ मर्ज कर देता हूं तो जो मेरा एवरेज है ना ऑल फाइव ऑफ देम वो मेरा 49 बन जाता है तो मैंने आपको मिक्सचर एलिगेशन में ये चीज बता रखी है दैट जो x की वैल्यू होगी ना वो एक जो 49 होगा ना वो 45 फाइव एंड एक्स के बीच में ही लाइक कर रहा होगा तो अगर फोर्टी जो है वो फोर्टी से ज्यादा है तो एक्स से कहीं ना कहीं कम रहा होगा ठीक है आई होप आपको ये चीज जो है वो समझ में आ रही है ओके ओके जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड ठीक है यहां पर हमारा 50 ईयर्स आएगा इन चारों लोगों का करंट एज आई एम सॉरी करंट एज यहां पर मेंशन करना है तो अगर ये जो मिडल वैल्यू आ रही है वो 50 से ज्यादा है तो एक्स से बड़ी होनी चाहिए आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा बेसिकली यहां पर 50 ज्यादा है तो इस केस में x जो है वो 49 से कम होना चाहिए ठीक है तो इस तरीके से हमको यह क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो बट इसको सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड है 50 4 x 5 49 तो सेम चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है एज सिंपल इज दैट 200 हंड्रेड प्लस एक्स इज इक्वल टू टू एंड एक्स की वैल्यू कितनी आगे अभी फोर्टी तो मिक्सर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट भी आप इसमें यूज कर सकते थे सम अप्रोच भी जो है आप इसमें यूज कर सकते थे अब ये वाला क्वेश्चन देखना ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है वीडियो पॉज करके जरूर से एक बार ट्राई करना क्वेश्चन इज सेम दैट द एवरेज ऑफ फोर नंबर इज ट्वेंटी सेवन तो सबसे पहले मैं समाइंड आउट कर लेता हूं मल्टीप्लाइड एट ठीक है इफ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय के सेकेंड नंबर इज इंक्रीज बाई के प्लस सेवन थर्ड नंबर बाई टू के प्लस थ्री एंड फोर्थ नंबर इज डिक्रीज बाय टू देन दीज फोर नंबर बिकम थर्टी टू तो न्यू सम कितना हो जाएगा भाई न्यू सम हो जाएगा मेरा एवरेज कितना हो गया भाई एवरेज थर्टी टू बन चुका है एंड टोटल नंबर कितने थे 4 थे फोर तो आर एंड आपका न्यू सम बन गया है तो इन दोनों सम के बीच में डिफरेंस कितने का है भाई ये डिफरेंस आ रहा है ट्वेंटी का तो ये ट्वेंटी क्यों आ रहा है बेसिकली ये ट्वेंटी का डिफरेंस इसलिए आ रहा है बिकॉज आपने इंडिविजुअल नंबर में कुछ कुछ छेड़खानी की है तो इन सभी के सभी जो चेंजेस है वो इक्वल होंगे ट्वेंटी के तो मैं क्या ये नहीं कह सकता दैट के प्लस के प्लस सेवन प्लस टू के प्लस थ्री माइनस टू इज इक्वल टू ट्वेंटी ठीक है तो वन टू थ्री फोर फोर के प्लस सेवन प्लस थ्री टेन माइनस टू एट फोर के प्लस एट इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर के इज इक्वल टू ट्वेल्व एंड के की वैल्यू कितनी आ गई भाई के की वैल्यू आ गई आपकी थ्री बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत ही इजिली इन सभी क्वेश्चन को इन टाइप के सभी क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लोगे ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं ओके okay, देखो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है वीडियो को पॉज करके सॉल्व करते हैं ठीक है वीडियो को पॉज करके जरूर से इसको ट्राई करना द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज सिक्सटी सिक्स के जी तो सम कितना हो गया भाई सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी ये हो जाएगा आपका सिक्सटी सिक्स मल्टीप्लाइड थ्री यानी कि कितना हो गया भाई 198 हंड्रेड एंड नाइनटी आगे मुझे बोला गया है इफ डी ज्वाइन द ग्रुप द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप बिकम 70 के मतलब सम ऑफ ए बी सी एंड डी इनके एजेस का सम कितना है भाई एवरेज बाय टोटल टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने लोग हैं अब डी ने ज्वाइन कर लिया है तो टोटल फोर पीपल हो गए अब ठीक है तो ये आ गया मेरा टू हंड्रेड ठीक है अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है भाई 198 पहले था ठीक है एंड डी के ज्वाइन कर लेने के बाद आपका 280 हंड्रेड आ गया तो आप जब इन दोनों को सब सब करोगे ना तो आपका कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा ये 82 क्या है ये 82 बेसिकली वो एक्स्ट्रा एज है ए, ओके यहां पर के में ओके सॉरी वेट की बात हो रही है ये 82 एक्स्ट्रा वेट है जो कि डी अपने साथ लेकर के आया है मतलब मैं सिंपली ये कह सकता हूं दैट डी का वेट कितना है डी का वेट है 82 केजीस ठीक है आगे मुझे बोला गया है इफ अनदर मैन ई हु इज 4 केजीस मोर देन डी मतलब ई e का वेट कितना है भाई 86 केजीस जो है वो ई e का वेट है ठीक है चलो आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं अब मुझे बोला गया है दैट एक नया पर्सन आता है ई e, जो कि 86 केजीस का है वो रिप्लेस कर देता है ए को उसके बाद बी सी डी एंड ई का जो एवरेज है ना वो सेवेंटी सिक्स केजेस बन जाता है तो sum of B, C, D एंड ई e, इन चारों का न्यू सम कितना बन जाएगा भाई एवरेज कितना है 76 सिक्स पीपल कितने हैं भाई पीपल है टोटल आपके फोर वन टू थ्री फोर टोटल फोर पीपल है ठीक है तो सेवेंटी सिक्स मल्टीप्लाइड बाई फोर थ्री हंड्रेड एंड फोर होगा तो आपका जो न्यू सम है ना वो कितना हो गया थ्री हंड्रेड एंड फोर के जीज हो गया अब यहां पर एक चीज ध्यान में देने वाला एक बात है ये है दैट मुझे ए का वेट पूछा हुआ है देखो मुझे सबसे पहले तो ए बी सी एंड डी में कितना गैप है वो पता करना होगा पहले मेरा जो सम था ना वो था 280 अब मेरा जो सम है वो कितना बन गया भाई अब मेरा सम बन गया 304 मतलब मेरा एक्स्ट्रा कितना वेट जा रहा है 24 फोर जो है वो मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है अब ये 24 फोर एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है बिकॉज ये जो ई ने ज्वाइन किया है ना वो कहीं कही ना कहीं ए से 24 फोर के जी ज्यादा होगा तभी तो ये 24 फोर के जी एक्स्ट्रा लेकर के आ रहा है करेक्ट तो अगर ई जो है वो 24 फोर के जी ज्यादा है ए से तो ए को मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं ए को सिंपली मैं फाइंड आउट कर सकता हूं जो ये ई का वेट है 86 सिक्स केजीज उसमें से मैं 24 को सब कर दूंगा ठीक है तो 86 सिक्स माइनस ट्वेंटी जब आप करोगे तो इट विल बी 62 टू के जीज तो हमारा ए का वेट कितना आ गया भाई ए का वेट था 62 टू के जी काफी अच्छा क्वेश्चन था अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ईजिली आप इसको कर लोगे बस ट्विस्ट करने की कोशिश की गई है क्वेश्चन को बाकी कॉन्सेप्ट हम लोग जो पहले से फॉलो करते आ रहे वही कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है ठीक है तो चलो एवरेजेस के टॉपिक में हम लोग इतना ही रखते हैं हम लोगों ने काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन को किया आई होप आपको एवरेजेस का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा हम लोगों ने काफी बेटर टाइप के क्वेश्चन भी किए इसके बाद आप जो भी प्रैक्टिस मटीरियल फॉलो कर रहे हो वो एक बार ट्राई करना एंड प्रीवियस ईयर कैट के क्वेश्चन जो है वो एमबी एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना आप मोस्ट ऑफ देम को आप सॉल्व कर पाओगे ठीक है तो चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में टिल द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग